सो हे गाइज, वेलकम टू द वीडियो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज किस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं डाइलो एनएसी टैबलेट के बारे में, जिसके उपयोग, फायदे, नुकसान, साथ ही साथ इसके एमआरपी, इसके कंपोजिशन और किस किस प्रॉब्लम्स में इस मेडिसिन को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस टैबलेट से संबंधित देंगे। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से अवश्य पहुंचे। दोस्तों, डाइलो एनएसी टैबलेट जो कि कोरोना रेमडेसिविर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बेची जाने वाली मेडिसिन होती है। बात करेंगे दोस्तों इसके कंपोजिशन की, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपोजिशन इज फिल्म कोटेड बिलियर्ड टैबलेट कंटेंट्स। इसमें दोस्तों एसिटाइल सिस्टीन 600 mg दिया हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें एसब्रोफेलिन है 100 mg। दो कंपोजिशन से बनी है मेडिसिन है दोस्तों। बात करें इसके स्टोरेज की, तो इसे आप रूम टेम्परेचर में बड़े आराम से रख सकते हैं, बच्चों के माउथ से दूर। दोस्तों, बात करें डाइलो एनएसी के एमआरपी के बारे में, तो ₹108.90 की एक जो है स्ट्रिप आती है, जिसे आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अप्रॉक्स 109 रुपीज में आपको मिल जाएगी किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर पर। बात करें इसके यूज के बारे में, तो दोस्तों इस टेबलेट के लेने से अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है जिसको अस्थमा वाली प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का अगर अस्थमा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है, तो इस टेबलेट के लेने से अस्थमा वाला जो है एक तो प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है, साथ ही साथ दोस्तों इस टेबलेट के लेने से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COPD भी कहा जाता है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उसमें भी इस टेबलेट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा निमोनिया के इलाज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल कई अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे फेफड़ों के निमोनिया, फिर त्वचा और मुलायम ऊतकों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी किया जाता है दोस्तों। यह दवा यानी कि डाइलो एनएसी आम तौर पर अगर आप इसको लेते हैं तो आपको जल्द ही बेहतर महसूस कराती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैक्टीरिया आपके अंदर जो निमोनिया वाले थे वह मर गए हैं कि नहीं और रीजनरेट तो नहीं होंगे, आपको इसे जो है अपने डॉक्टर के बताए अनुसार ले लेना है, चाहे भले ही आप बेहतर इस टेबलेट के लेने के बाद में महसूस कर रहे हों। जितना दिन तक आपको रिकमेंड किया जाए या मेडिसिन, उतने दिन तक आप इस मेडिसिन को जरूर लें और सही तरीके से क्योर हो जाने के बाद ही इस मेडिसिन को जो है बंद करें। तो ये सारे इसके यूजेज और बेनिफिट होते हैं दोस्तों, एक तो निमोनिया के इलाज में, दूसरा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के इलाज में, साथ ही साथ अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई अस्थमा से परेशान है तो इसके इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग सिचुएशन में डॉक्टर जो है अलग अलग डोज इसका रिकमेंड करते हैं, तो जिस परेशानी से पेशेंट परेशान है, आप परेशान है, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज निर्धारित किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो डाइलो एनएसी के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कॉमन से, बहुत हल्के फुल्के, जैसे उल्टी होना, सीने में जलन, पेट में दर्द, पेट खराब होना या फिर खुजली होना। बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कर उसके पश्चात ही इस मेडिसिन का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।